नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में और हमारे साथ है डॉक्टर रथ, जो हर हफ्ते हमारे कोविड-19 के चर्चा में शामिल होते हैं। डॉक्टर रथ, अगर हम DST के सुपर मॉडल को देखें, जो हमने पिछले हफ्ते अंग्रेजी में बातचीत की थी, उसमें आज फिर उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं, कि दो मुख्य बात आपने कही थी। एक तो है कि एसिम्प्टोमैटिक केसेस और जो डिजीज जिनमें लक्षण जिसमें दिखाई पड़ते हैं बीमारी की, इसकी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, इसका एक फिक्स्ड रेशियो जो DST के सुपर मॉडल मान के चल रहे थे ऐसा किया जाए, ना कि आज तक कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह की कोई निष्कर्ष पे कोई पहुंचा है। तो एक अनोखी बात उन्होंने अपने मॉडल में शामिल की जिसके कोई बुनियाद नहीं थी। दूसरी बात आपने कही थी कि ये जो एपिडेमिक है, इस तरह से बताना कि ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एपिडेमिक कॉम्प्लेक्स चीज है। वो कहीं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कैसे बढ़ती है, उसको इस तरह मॉडल से कम अरसे के अलावा बताना मुश्किल है। तो ये दूसरी बात पे मैं आना चाहता था, आपने जो पिछले हफ्ते जिक्र की थी कि अभी अगर हम देखें, चंद हफ्ते ही हुए हैं कि इनका DST के मॉडल हमारे सामने पेश हुई है। अब दिल्ली की अगर फिगर देखें, जो उन्होंने कहा था कि उनका दोनों पीक उन्होंने काफी अच्छी तरह उन्होंने एस्टिमेट किया है, काफी एक्यूरेट रहा है उनकी एस्टिमेट, 3-4 दिन के फर्क होगा, पीक्स की वैल्यूज बड़े आसपास है। हम देख सकते हैं उनके चार्ट के मुताबिक जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी है, कि इस वक्त दिल्ली में सेकेंड पीक के बाद उनके मॉडल के तहत ये फिगर्स लगातार घटता जाना चाहिए था, उसकी जगह पर इस वक्त वो बढ़ रहा है। बल्कि हमारी जो तीसरी पीक, दिल्ली में दो पीक पहले भी हो चुकी है, तीसरी पीक इस वक्त पहले दो पीक से ज्यादा है। तो ये क्या दर्शाता है कि इनकी मॉडल एक छोटे पॉपुलेशन दिल्ली भारतवर्ष के कंपैरिजन में, उसमें अगर दो हफ्ते के अंदर ये गलत साबित हो जाती है तो मॉडल में क्या दर्शाता है? तो आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने इस मुद्दे पर थोड़ी बहुत बातचीत की है, और अब दिन ब दिन ये महसूस होने लगा है कि उनकी जो भविष्यवाणियां हैं उनके प्रतिमानक की, उनकी उनके मॉडल की, वो खरी नहीं निकल रही। तो पूछने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात तो जो आपने सांख्यिकी विज्ञान के आधार पर कही, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर कही, कि उनके मॉडल में कई स्टेटिस्टिकल वैज्ञानिक खामियां हैं, जो कई लोगों ने उस पे कुछ पर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उसे भी छोड़िएगा, असली बात तो ये है कि जो फर्क पड़ते जा रहा है उनकी भविष्यवाणियों और असलियतों के बीच, वो ये दर्शाता है कि हम इस महामारी के फैलाव को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और इस नासमझी में दो मुद्दे हमने ध्यान में रखने चाहिए। एक मुद्दा ये है कि अभी तक ये महामारी उभरती है, अभी तक ये फैल रही है, ऊपर आ रही है, लहरें इसकी निकल के इधर उधर जा रही हैं। ऐसे अरसे में, ऐसे वक्त में इसे गणितीय सिद्धांतों में बिठवाना कोई आसान बात नहीं है। जब कभी ऐसे गणितीय सिद्धांतों में महामारी के फैलाव को बिठवाना जायज है, तो वो महामारी के खत्म होने के बाद, जब पूरा का पूरा सबूत, सारे आंकड़े हमारे पास हैं, भूतकाल में हमने सारा मापन किया हुआ है, और अब निश्चित रूप से आंकड़ों के आधार पर हम कुछ सिद्धांत तय कर सकते हैं। आज का वक्त वो वक्त नहीं है,
आज का वक्त इस कोविड 19 की महामारी का वक्त अभी उभरती हुई महामारी का वक्त है, ना कि बीती हुई महामारी का वक्त। तो मॉडल्स को लेकर हमने इतना उछल कूदना नहीं चाहिए जितना भारत सरकार और भारत सरकार के गिने चुने वैज्ञानिक उछल कूद रहे हैं इस शोध निबंध में जिसका जिक्र अपन कर रहे हैं, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी। ये हुई एक बात। लेकिन दूसरी बात जो आपने दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली में एक उभार आया आंकड़ों में, फिर आंकड़े नीचे गए, फिर दूसरी लहर आई वो नीचे गई, और इस शोध निबंध कर्ताओं के अनुसार अब आंकड़े कम ही कम होते जाने चाहिए थे, जो असलियत में हुआ नहीं है। तीसरी लहर आ रही है ऐसा महसूस हो रहा है, और वो भी काफी तगड़ी लहर है। लेकिन मैं इससे थोड़ा हटकर एक बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि मैं जैसे बार बार अपनी चर्चाओं में कहते आया हूं, वायरस दिल्ली को नहीं पहचानता। वायरस के लिए दिल्ली में फैलाव ऐसी कोई घटना है ही नहीं। वायरस मोहल्लों में फैलता है, वायरस वहां फैलता है जहां मोहल्लों में लोगों की एक दूसरे से लेन देन बहुत नजदीकी है, तभी सांस से सांस लगने से वायरस फैलता है। तो हमने सही सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे राजनीतिक भूगोल में, जैसे कि दिल्ली है, वायरस कैसे फैल रहा है। हमने सवाल ये पूछने चाहिए कि हमारे मोहल्लों मोहल्लों में वायरस कैसे फैल रहा है, और मोहल्लों में वायरस कैसे फैल रहा है ये जानने के लिए हमारी जो जांच पड़ताल की सीमा रेखाएं हैं वो मोहल्लों के लिए होनी चाहिए। उनकी जो प्रमाण है, उनके जो स्केल्स हैं, वो आज के बतौर बहुत बड़े अरसे पर होनी चाहिए। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम इस तरीके से भ्रामक आंकड़ों के अनुमान पर आधार पर भ्रामक अनुमान लगाते रहेंगे, गलत मॉडल बनाते जाएंगे और गलत आंकड़े बताएंगे, यही इसका निष्कर्ष निकलता है। और आपने जो कहा कि क्योंकि हम इंसान के बीच में जो संबंध है, करीब की है, थोड़ी दूर की है, सांस एक दूसरे से कैसे उसकी एक्सचेंज हो रहा है, ये है एपिडेमिक की मापदंड। और यह चीज इस तरह के सामूहिक जब मॉडल बनाते हैं उसमें पकड़ी नहीं जा सकती, इसलिए मैथमेटिशियंस बहुत सारे हैं, स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त इस तरह की मॉडल जो प्रिडिक्ट करेगा लंबे अरसे के लिए बन नहीं सकता। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म आज के पिछले हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते की रफ्तार को देखते हुए दो तीन हफ्ता हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर ये मैथमेटिक्स नहीं है। सिर्फ प्रिडिक्शन आप आज का दिन देख के कल की प्रिडिक्शन जैसे करते उस तरह का है। और इसीलिए जो भी इस तरह के एनालिटिकल मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं चार पांच पैरामीटर लेके, ये एक्चुअली जो आपने कहा ये सिर्फ तभी बन सकता है जब एपिडेमिक खत्म हो जाता है, चलते हुए ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक्चुअली मॉडल का आर्टिफिशियल एक पैरामीटर्स बनते हैं, वो रियल क्या हो रहा है उसको वो बताता नहीं है। पर इसकी बात तो छोड़िए, दूसरी जो और एक बहुत अहम चीज इसमें आती है कि उनके मॉडलिंग के अनुसार उन्होंने कहा था करीब 380 मिलियन भारतीय निवासियों के इस वक्त एंटीबॉडी होनी चाहिए, सेरोपॉजिटिव होंगे वो, और इसके आधार पर उनका ये भी कहना था हम शायद हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक पहुंच गए। मैं 60-70% हर्ड इम्यूनिटी की बात लोग करते हैं, उन्होंने क्यों 30% कहा वो अलग बात है, पर 30% फिगर के आधार पर उन्होंने कहा था 380 मिलियन लोग शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होंगे। तो इसके फिजिकल
ये तो जांच हो सकती है, क्योंकि सेरो पॉजिटिविटी स्टडीज हो सकती है, सैंपल हो सकती है, उसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कितने लोगों को शायद एंटीबॉडीज देश में है। तो उसके मुताबिक हरियाणा का भी सेरो पॉजिटिविटी स्टडीज निकली हुई है, उसमें साफ है कि 14-15% के आगे सेरो पॉजिटिविटी स्टडीज नहीं दिखाता, जबकि हरियाणा में दिल्ली का काफी पास होने के वजह से कई जगहों पर काफी फैलाव महामारी की हुई है, पर इसके बावजूद भी ये यही कह रहे हैं कि 14-15% एविडेंस, ये अनुमान नहीं एविडेंस है, सेरो पॉजिटिविटी नहीं निकल रही है। तो जो उनकी 30% फिगर थी ये भी गलत साबित होती है। पहली तो बात जो वेलोर के वैज्ञानिक डॉक्टर जेकब जॉन ने कही है वो काफी अच्छी कही है। उन्होंने कहा है कि हमने ये याद रखना चाहिए कि एक महामारी नहीं चल रही, सैकड़ों महामारियां इधर उधर उभर के सामने आ रही है, अपने अपने रफ्तार से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने चेहरे से। एक ही बीमारी की है लेकिन सैकड़ों महामारियां हैं। ये हुआ एक मुद्दा। लेकिन आपने जो आंकड़ों का जिक्र किया कि हरियाणा के आंकड़े क्या है, दिल्ली के आंकड़े क्या है, और सीरो पॉजिटिविटी के, यानी कि उन लोगों की गिनवाई के जिनमें सबूत है कि उनकी विषाणु के साथ, वायरस के साथ छेड़खानी हो चुकी है, ऐसे लोगों की गिनवाई के लिए। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि यहां मैं जहां बैठा हूं पुणे शहर में, वहां ऐसी एक सीरो सर्वे हुई थी, एक जांच हुई थी अभी हाल में, जिसका शोध निबंध मेरे युवा मित्र लिख रहे हैं। उस सीरो सर्वे में एक म्युनिसिपल प्रभाग में, एक नागरी प्रभाग में सर्वे करा हुआ है कि कितने लोग सीरो पॉजिटिव हैं, और ये देखा गया है कि एक ही प्रभाग में, मतलब 400-500 meters के इलाके में, मोहल्ले में, आप झुग्गी झोपड़ी में देखो और झुग्गी झोपड़ी से बिल्कुल सटे हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग में देखो, तो झुग्गी झोपड़ी में 60% है आंकड़ा सीरो पॉजिटिविटी का, और उसके साथ लगे हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग में 25-30% है। ये जो विविधता है, इसकी वजह से किसी भी सिंपल सर्वे पर, ऐसे जांच पर जिसमें आपने इस विविधता का सामना नहीं किया हुआ है, बड़े आंकड़ों का अनुमान लगाना बिल्कुल फजूल की बात है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक हम इस विविधता को समझ नहीं पाते आंकड़ों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तब तक ये जो मॉडल्स हैं और ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं। सरकारी, एक तरफ से सरकारी बयान या खुश कर, दिल को खुश करने के लिए ये हो सकता है, पर इससे ज्यादा कुछ है नहीं। पर खतरा सत्यजीत जो आपसे पूछना चाहते थे कि देखिए, ये सरकारी वैज्ञानिक सरकार को खुश करने के लिए कुछ प्रेडिक्शंस तो कर दिए, पर इसका अगर सरकारी जो पॉलिसीज होंगे उस पर अगर असर पड़ता है, तब ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस पे तब लग सकता है कि वैक्सीन की इतनी अहमियत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, अब तो हम पहुंच ही गए हैं करीब करीब आखिरी कगार पे। 30% अगर लोग आपकी एंटीबॉडीज उनके शहर में है, उनके शरीर में है, तो मॉडल के मुताबिक जो है हर्ड इम्यूनिटी पहुंच गए हम। तो ये सब जो है, इसकी जो कहते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है, ये काफी भारी पड़ सकता है अगर सरकार सचमुच इस मॉडल को विश्वास करने लगे। और यही खतरा हमें भी है कि अगर इंसान भी समझे, नागरिक समझे, मॉडल ने कह दिया हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच गए, अब तो चिंता की बात नहीं है,
हमारी जितनी सामाजिक दूरियां, हालांकि उन्होंने कहा है कि दूरियां वगैरह रखना चाहिए, पर ये कहते हुए भी अगर आप कह देते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच गए, लोग कम सोचेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तरफ से खतरा है, सरकार क्या पॉलिसीज अपनाएगी और लोग क्या करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि मॉडल के रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस जरूर है, ये सिर्फ मॉडलिंग फॉर मॉडल सेक नहीं है? तो भैया ऐसा है कि मॉडलिंग के रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस हर क्षेत्र में होते हैं, जबकि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जो मॉडलिंग होता था उसकी वजह से युवा जवान और औरतें अपनी ओर एक दूसरे की ओर कैसे देखते हैं इस पे काफी कुछ असर तो पड़ता था। तो मॉडलिंग को लेकर हर क्षेत्र में कोई ना कोई परिणामों की संभावना बहुत ज्यादा है, जो यहां भी है। दो मुद्दे, एक ये सिर्फ ऐसा मॉडल नहीं है जो सरकार को खुश करने के लिए किया गया है, ये ऐसा मॉडल है जो सरकार का है, क्योंकि ये जो शोध निबंध है इसके कर्ता लेखक, इसकी कर्ता लेखक जो हैं वो सरकारी मुलाजिम है, और सरकारी मुलाजिम होने के नाते उन्होंने ये शोध निबंध लिखा है, ऐसा शोध निबंध में नमूद किया गया है। ये हुई पहली बात। तो ये सरकार ने विश्वास करने वाली चीज नहीं है, ये सरकारी चीज ही है, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भेजी हो। दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसा होने की वजह से इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप जिस तरीकों के अनुमानों की ओर निर्देश कर रहे हैं वैसे अनुमान सरकार लगाएगी और उस दिशा में नीति नियम बनाएंगे, और ये खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन आज तक, जैसे कि आपने कहा, मैंने कहा पिछले हफ्तों में, आजकल स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उसमें से कुछ उम्मीद तो अभी भी बनी हुई है कि सच्ची सबूतों के आधार पर, ना के भ्रामक मॉडल्स के आधार पर, सरकार कोविड 19 के महामारी को और उस पे करने वाले उपायों की ओर देखेगी। होपफुली, आशा यह है कि सरकार शायद अपने मॉडल्स में इतना विश्वास न करके बल्कि सबूत के आधार पे अपनी रणनीति जो है कैसे कोविड 19 महामारी से मुकाबला किया जाए इसके ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ होने के लिए, और इस विषय पे हमें तो लगता है कि ये चर्चा कुछ महीनों तक और भी चलानी चाहिए, जब तक वैक्सीन देश में प्राप्त न हो और सचमुच महामारी के सामने हम हर्ड इम्यूनिटी की बातचीत कर पाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे वेबसाइट पर जरूर आइए। Thank you.